नमस्कार दोस्तों, आर एस डिजाइनर स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में ब्लाउज का बैक नेक डिज़ाइन बनाना बताएंगे। तो इस तरह देखिए, इसे कट किया है, जितनी लंबाई रखना है आपको 1 इंच ज़्यादा ले लीजिएगा। हमने ली है 14.5 इंच। 14.5 इंच लंबाई लेते हुए इसको इस तरह से कट किया है। डबल फोल्ड करके 10.5 इंच लिया है। शोल्डर लिया है 6 इंच। 34 साइज का ये ब्लाउज का बैक नेक डिज़ाइन है। आर्म होल भी 6 इंच लिया है। डीप नेक के अकॉर्डिंग ये नाप हमने लिया है। अब गले की चौड़ाई 3 इंच लेंगे। तो देखिए, इसीलिए शोल्डर हमने 6 इंच लिया है, नहीं तो डीप नेक पर 5.5 इंच या 5 इंच 2 पॉइंट ऐसे चलता है। अब देखिए, इस तरह गले का निशान करना है। तो ये देखिए, मटके गले का इस तरह निशान करेंगे, उसके बाद इस तरह डिजाइंस के लिए करना है। अब यहाँ से इस तरह से करेंगे, थोड़ा सा नीचे और बढ़ाएंगे और इस तरह से देखिए कर लेना है। ये निशान निकालने के बाद अब हमें निकालना है बुकरम के ऊपर इसे। तो देखिए, गले पर हमने निकाल कपड़े पर निकाल लिया, बुकरम पर निकाल लेंगे। बिल्कुल वहीं से रखते हुए इसको इस तरह से निकाल लेना है। तो इस तरह देखिए निकाल लिया। अब इसको यहीं से फोल्ड करेंगे और दूसरी तरफ से भी निकाल लेंगे। तो ये दोनों तरफ से इस तरह निकालना है। उसके बाद इसे कट करना है। तो इस तरह से देखिए कट करेंगे। तो इस तरह गले की कटिंग हमें करना है। अब देखिए, कपड़े और अस्तर पर सिलाई लगाकर इसको पहले तैयार करेंगे, उसके बाद इसका गला बनाना है। तो इस तरह सिलाई लगानी है। नीचे की तरफ से कंप्लीट करते हुए सिलाई डालेंगे, उसके बाद साइड में डाल देंगे। पूरे पर सिलाई लगाना है। तो ये सिलाइयाँ इस तरह से पूरे पर लगाएंगे। उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा, अस्तर के बाहर जितना भी रहेगा, उसको कट करके बराबर करना है। तो ये देखिए, सिलाई लगा ली है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करेंगे, तो इस तरह से सारा कपड़ा कट कर लेना है, जो अस्तर के बाहर जितना भी है कट करके बिल्कुल बराबर से इसको कर लेंगे। तो हमने इस तरह से कट कर लिया। बराबर से मोड़ते हुए यहाँ पर एक छोटा सा कट लगाएंगे और एक सीधी लाइनिंग इस तरह से कर देंगे। तो ये हमने कर दिया। अब गले को लेना है। देखिए, इस तरह कपड़े पर रखकर चाहे तो प्रेस करके पेस्ट कर लें या एक सीधी सिलाई लगा दें। उसके बाद साइड से फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। तब इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए सिलाई पूरे पर लगा लेंगे। तो ये सिलाई देखिए इस तरह से लगा दी। अब इस तरह से गले को मिला कर लेना है। ऊपर से एक सिलाई पहले बीचों बीच बिल्कुल दोनों को मिला कर रखेंगे, बीचों बीच एक सिलाई डालेंगे। पूरे गले पर जहाँ से गले का निशान, देखिए ये वाला जो निशान है, वहाँ से सिलाई चलेगी। तो इस तरह सिलाई लगाना है। सिलाई हमने देखिए लगा ली है। अब इसको कट करना है। अब इस तरह से इसे कट कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से कट किया। पूरे गले पर अब कट लगाएंगे। पूरे गले पर अब इस तरह से कट लगा देने हैं। छोटे छोटे से कट पूरे गले पर लगेंगे, फिर इसको पलटना है। तो पहले पूरे गले पर इस तरह से कट हमें लगा लेना है। उसके बाद इसको जो एक बुकरम पट्टी है, इसको अंदर की तरफ पलटना है। सिलाई बचाते हुए इस तरह कट लगा लिया है। पट्टी को अंदर की तरफ पलटने के बाद गले के ऊपर में से एक सिलाई पूरे गले पर लगानी है। तो पहले सिलाई लगाकर इसको पूरा करेंगे गले को, उसके बाद इस पर जो आगे की डिजाइनिंग रहेगी उसे बनाना है। तो ये देखिए, हमने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाकर इस तरह से गला तैयार कर लिया। अब हमें
देखिए इस तरह से डिजाइंस को बनाना है। यहाँ से ये जो लिया है यहाँ से मोती रहेगी, मोती वर्क रहेगा, गोल्डन मोती इस पर लेंगे और इस तरह से मोतियाँ लगाकर इसको भरना है। तो इस तरह मोती डाल लेंगे, छोटी बड़ी करते हुए डाल लेना है। फिर देखिए दूसरी तरफ जो लाइनिंग की है वहाँ ले जाकर इसको निकालना है और इसी तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पर करते हुए पूरा मोती से इसको भर लेना है। तो एक लाइन हमने लगाई, अब इसको कई बार धागे को अच्छे से निकालते हुए लगा लेना है। एक एक दो बार लगाएंगे तो ये निकल सकती है, इसलिए अच्छे से हर बार पक्का करते हुए धागे को इसके अंदर में से निकालते हुए इसको लगा लेना है। तो ये लाइन इस तरह पूरी करेंगे, उसके बाद ये दूसरी लाइन जो है उसको थोड़ी दूरी पर, दो पॉइंट की दूरी पर लगाएंगे। इस पर जितनी लाइनें आएंगी इस तरह से लगा लेनी है। तो ये हमने देखिए लगाया, अब थोड़ी दूरी पर धागे को निकालेंगे। अब दोबारा से इसमें मोती डाल लेंगे जितनी लगेगी। ऊपर हमने देखिए चार लगाई है, नीचे तीन ही लगेगी। तो तीन मोतियाँ डाली है, ऊपर चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा है, अब इसके बाद तीन तीन करके ही लगेंगी। तो इस तरह से लगाना है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर देखिए इस तरह से लगाना है। पूरे पर हमने लगा लिया, उसके बाद अब ये कपड़ा लेना है डिजाइंस के लिए आगे की। 2 इंच 2 पॉइंट का चौकोर लिया है, अब इस तरह से फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगानी है। ये डिजाइन इसे हमें पूरे गले के लिए तैयार करनी है, ये पूरे गले पर रहेगी। तो इसी तरह से कपड़ा कट करके इसको फोल्ड करके सिलाई पहले डालनी है। तो ये देखिए इस तरह सिलाइयाँ सारी डिजाइनों पर डाल लेंगे। सारी डिजाइन हमें इस तरह तैयार कर लेनी है। ये डिजाइन इस तरह तैयार करने के बाद इसे यहाँ से धागे कट करके इसको अलग कर लेंगे। फिर इस तरह लगाना है, अब ये गले पर इस तरह से लगेगी, ज़्यादा नहीं लगेगी, दोनों साइड से लगाएंगे और जितनी भी लगेगी बनाकर पहले तैयार करके इस तरह इसको लगाना है। बिल्कुल बराबर से रखेंगे, गले की तरफ ना निकली रहे कपड़ा इसका। और बराबर से रखने के बाद इस तरह से देखिए यहाँ तक लगेगी, यहाँ से नीचे तक ले जाएंगे इसको। तो ये लगा दिया इस तरह से, अब दूसरी तरफ से भी इसको इसी तरह से लगाना है। ये दूसरी तरफ से इसको इस तरह से लगाएंगे। अभी हमें पूरे पर इस तरह लगानी है। बराबर से रखते हुए देखिए इस तरह लगा देंगे, जैसे इस साइड लगाना है ठीक उसी तरह दूसरी तरफ लगाना है। तो ये लगाने के बाद अब हमें गोल्डन लेस लेना है। अब लेस जो कलर का चलेगा ले लेना है, उसके बाद देखिए इस तरह से इसको लगाना है। अब दोनों तरफ से लेस लगेगा, दोनों तरफ से हमें इस तरह लेस को लगा देना है, इस साइड से और उस साइड, दोनों साइड से। तो ये लेस लगा दिया इस साइड से, अब दूसरी साइड से भी इसी तरह से लगा लेना है। तो ये लेस हमारा लग गया है। लेस लगाने के बाद अब देखिए इन डिजाइनों को इस तरह बनाना है। ऊपर की जो तीन डिजाइनें हैं उससे पहले इस तरह से देखिए यहाँ पर इसको इस तरह फैलाकर पकड़ना है और अच्छे से सिलाई लगाने के बाद एक मोती लगा देना है। तीन डिजाइनें इस तरह से करेंगे, उसके बाद नीचे की डिजाइंस ऐसे ही रहेगी, मोती से डिजाइंस रहेगी, मोतियाँ लगानी रहेंगी, बाकी डिजाइंस ऐसे ही रहेगी। तीन डिजाइनें ऊपर की हम इस तरह से बनाएंगे। चाहे तो आप पूरी रख सकते हैं, ऊपर तीन की रखेंगे और नीचे का थोड़ा चेंज रखेंगे ताकि थोड़ा अलग ही लुक रहे गले का। तो ये देखिए इस तरह से किया, अब यहाँ से सीधी डिजाइन ऐसे ही रहेगी, बस सिर्फ इस पर मोतियाँ लगेंगी। यहाँ से जहाँ से यह डिजाइन हमने ज्वाइन की है वहाँ से तीन तीन करके इस पर मोती लगाएंगे, छोटी बड़ी करते हुए लेंगे। अब ये डाल लेंगे छोटी बड़ी करते हुए, इस तरह से लगाना है। अब ये पूरे गले पर ऊपर की तीन डिजाइनें छोड़ने के बाद अब पूरे पर इस तरह से मोतियाँ लगेंगी। तो पूरे गले पर अब इस तरह से मोतियाँ लगाकर इसको डिजाइंस को पूरा कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह मोतियाँ लगानी है, इसी तरह इस साइड भी लगानी है पूरे पर। तो ये देखिए हमने सारे डिजाइंस को इस तरह बनाकर तैयार कर लिया है। ये डिजाइंस हमारा तैयार हुआ। अब लास्ट में इसका प्लेट्स बनाएंगे। दोनों प्लेट्स हमें बराबर से ही डाल देने हैं। तो इस तरह दोनों प्लेट्स डाल देंगे, डिजाइंस हमारा कंप्लीट हुआ। तो हमने दोनों प्लेट्स देखिए इस तरह बना दिया।
डिजाइन से बन के तैयार हुआ। अगर डिजाइन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू डिजाइन के साथ। धन्यवाद।